हिमाचल प्रदेश में तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के पदों पर अब प्रदेश से बाहर के लोगों को आसानी से नौकरी नहीं मिल सकेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इन श्रेणियों की भर्ती नियमों को कड़ा करने का फैसला लिया गया। वीरवार को आयोजित इस बैठक में सूबे में 1195 पटवारियों समेत विभिन्न विभागों में 1500 से ज्यादा पद भरने की मंजूरी भी प्रदान की गई। शिमला में आयोजित कैबिनेट मीटिंग के दौरान प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी के पदों के लिए 10वीं और 12वीं और चतुर्थी श्रेणी के लिए 8वीं और 10वीं की परीक्षा हिमाचल के स्कूलों से पास करना जरूरी होगा। ये शर्त हिमाचल के मूल निवासियों पर लागू नहीं होगी। जिन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू या पूरी हो चुकी है उन्हें छोड़कर अब नई भर्तियों को संशोधित नियमों के तहत ही भरा जाएगा। वहीं कैबिनेट ने 1195 उम्मीदवारों का पटवारी प्रशिक्षण के लिए चयन करने का निर्णय लिया। इनमें 933 उम्मीदवारों को मोहाल जबकि 262 को बंदोबस्त का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिमला और कांगड़ा में बंदोबस्त विभाग में 17 चेनमैन का चयन कर प्रशिक्षित भी किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद इन्हें 5 साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति प्रदान की जाएगी। वहीं कैबिनेट ने मदर टेरेसा असहाय मृत संबल योजना के तहत परिवक्तता महिलाओं और विधवाओं को 18 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रति बच्चा प्रति वर्ष सहायता राशि 6,000 रुपए कर दी है। प्रदेश सरकार में 25,000 से ज्यादा महिलाएं इस योजनाओं से लाभ ले रही हैं। लाभ पाने वालों के लिए इन महिलाओं को वार्षिक आय 35,000 से कम होनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बिलासपुर इकाई ने शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरने को संबोधित करते हुए प्रांत मंत्री राहुल राणा ने कहा कि आज शिक्षा क्षेत्र में अनेकों समस्याएं व्याप्त हैं, लेकिन इनके निराकरण के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार गंभीर नहीं है। यही कारण है कि विद्यार्थी परिषद आज प्रदेश भर की इकाइयों में धरने प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने समय समय पर अपनी मांगों को प्रशासन और सरकार के समक्ष रखा है। अगर विद्यार्थियों से जुड़ी इन मांगों को पूरा करने के लिए कोई पहल नहीं होगी तो विद्यार्थी परिषद आम छात्रों को लामबंद करके पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बिलासपुर इकाई ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रशासन और सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द मांगे पूरी की जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बिलासपुर इकाई की मांग है कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों में खामियों को दुरुस्त किया जाए। क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के स्थायी परिसर का निर्माण और कक्षाएं इसी सत्र से शुरू की जाएं। प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद जल्द भरे जाएं। प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज में अत्यधिक फीस वृद्धि एवं व्यापारीकरण पर रोक लगाई जाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए। SMC व आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां युवाओं के साथ धोखा है, इन पर रोक लगाकर नियमित भर्तियां की जाएं। प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालय में दयनीय स्थिति में सुधार लाया जाए और प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग और निजी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार एवं व्यापारीकरण पर रोक लगाई जाए तथा प्रदेश के महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए। नगर परिषद हमीरपुर की मासिक बैठक चेयरमैन सुलोचना देवी की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जगह जगह के लगे कूड़े के ढेर और शहर में रेडियो की भरमार पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सफाई कर्मचारियों को वर्दी में रहना होगा, सफाई ठेकेदारों के मोबाइल नंबर वार्डों के सभी लोगों को मुहैया करवाए जाएंगे ताकि लोगों को इसकी सहूलियत मिल सके और शहर स्वच्छ बना रहे। इसके अलावा शहर के चारों तरफ जो भी नगर परिषद की सड़कें मुख्य सड़क से जुड़ी होंगी उनमें नगर परिषद बड़े बड़े गेट लगाएगी। इसके अलावा शहर के चौराहों पर ट्रैफिक लाइटों की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को रात के अंधेरे में ज्यादा परेशान ना होना पड़े।
मीटिंग के दौरान 3 लोगों को घर बनाने के 1 साल की एक्सटेंशन दी गई, जबकि 15 लोगों को बुढ़ापा एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगाने का विभाग को पत्र भी लिखा गया। वहीं बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि जो दुकानदार शीशों को नालियों में फेंक रहे हैं, उन्हें शीशे पानी में ना बहाने के लिए कहा जाएगा। शहर में सफाई व्यवस्था बनी रहे और स्ट्रीट लाइट जगमगाती रहे, इसके लिए जल्द ही ठेकेदारों के साथ बैठक भी आयोजित की जाएगी।